नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में वीडियो होने वाला है गाइस वीसीसी वर्सेस ईएक्ससी के बीच जो मैच खेला जाएगा कपिल्ला टी टेन का थर्ड मैच होगा गाइस ये फोर्थ टीम होने वाला है जो इंट्रोड्यूस होगा बिकॉज वीसीसी ऑलरेडी एक मैच खेल के आएंगे तो आपको इनके बारे में ऑलमोस्ट मालूम होगा बट ई एक्सी न्यू टीम रहेगा तो मेक श्योर करो वीडियो इन तक देखो एंड यस मैं एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ गाइस ये जो स्क्वाड्स है ना दो चारों टीम का ये बहुत बड़ा होने वाला है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा एंड शायद की प्लेयर्स बाद में इंट्रोड्यूस हो तो इसके लिए मेक श्योर करना वीडियो अंत तक देखो एंड वीसीसी के तरफ से भी आप कुछ प्लेयर्स चेंजेस होते हुए दिखोगे पूरे सीरीज़ के दौरान तो मेक श्योर करना ध्यान से देखना जो इंपॉर्टेंट्स प्लेयर है वो शायद परफॉर्म करे ना करे बट वो इंपॉर्टेंट है एंड क्लास के साथ जाना मतलब आप फॉर्म तो परमानेंट नहीं होता है बट क्लास परमानेंट होता है तो जो अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है बिकॉज ये डच लीग है नीदरलैंड्स आपको भी मालूम होगा इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो एक अच्छी टीम है तो अच्छा क्वालिटी क्रिकेट देखा जाएगा मेक श्योर sure करना वीडियो अंत तक देखो इसलिए एंड अभी भी नहीं देखा टाइम होगा तो फर्स्ट दोनों मैच का भी आप वीडियो देख सकते हो सभी टीम के बारे में डिटेल्स एनालिसिस है इसके बाद जो हम लोग मैच कवर करेंगे वो होने वाला है मलेशिया टी लीग का तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करना एंड चाहो तो टेलीग्राम चैनल जो फ्री है ज्वाइन कर सकते हो तो ये फैंटेसी दुनिया सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके ठीक है पे फैंटेसी दुनिया टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो और डायरेक्ट लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पिंट किया हुआ रहेगा सबसे ऊपर रहेगा डायरेक्ट लिंक हमारे चैनल का तो इधर आपको क्या मिलने वाला है मिलने का आफ्टर टॉस फाइनल टीम और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गैस लगेगा कि इंपॉर्टेंट है देने लायक तो इधर आपको मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना हम लोग कहते हैं गैस एनालिसिस सेक्शन में तो हम लोग ज़्यादा दो जोड़ देंगे गैस ई के तरफ से ज़रूर वी -सी -सी के बारे में भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ई ए के तरफ से रॉयल अगेन इनको सिलेक्ट कम करके रखा जनता ने ठीक है शायद अगर जो इनके वी सी सी के विकेट कीपर अच्छे पॉइंट्स दे दे सब इनको इग्नोर कर दे आएंगे बट आप मत करना बिकॉज ये एक अच्छे चॉइस है फिफ्टी वन बारह पंद्रह चालीस ये ओपन करते हो ठीक है आइडियली इनको रखना है अपनी टीम में बिकॉज ये शायद ओपन करेंगे ये स्क्वी का रिकॉर्ड खास नहीं है ओडी का रिकॉर्ड है 2019 का जोस्ट क्रोसेन का इस ठीक सा ठाक एक मैच में सत्रह एक में सत्रा, दो सत्रह वन डाउन फिर एक थ्री डाउन थर्टी ये ऑलमोस्ट आपको बीस तीस शायद बीस रन कर दे अगर शुरू में खेला बहुत खास लगी नहीं बट शायद कैप्टनसी भी कर ले हाँ लिक क्रेशन खास लगी नहीं एक चार एक बॉलिंग बैटिंग सेक्शन में बट बंदा बॉलिंग ज़्यादा करता है जेल्टन वैन ट्रूस्ट सेम मैं बताऊंगा कि ये भी बॉलिंग अच्छे करते हैं खास करके 2019 में इनका बॉलिंग फॉर्म अच्छा था दो बारह जीरो चार तीस दो दो दशमनतीस दस दो तो कुछ अच्छे चॉइस नहीं मिलने से ले सकते हो अपनी टीम में बट एक चीज़ याद रखना ई एक्ससी जो एक्सेल है ये ना अपने बॉलिंग इनके पास बहुत ज़्यादा बॉलर्स है ठीक है ढंग का बैट्समैन कोई नहीं होगा शायद बट बॉलर्स इतने ज़्यादा है कि ये हर एक बॉलर्स को ट्राई कर लेंगे शायद छः सात बॉलर भी आप देखोगे इंट्रोड्यूस होते जाए तो एक रिस्क रह जाता है कितने बॉलर्स जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं उनको छोड़ के कितने बॉलर्स गैस पूरे दो ओवर कराएंगे सेम स्टैंड वैन ट्रुस्ड तीन मैच ओपन करते हुए गैस आठ आठ जीरो तो मत लेना आई थिंक खास चॉइस नहीं है शायद ओपन करेंगे भी नहीं हाँ सजीत शंकर का मिला नहीं अखिलेश अरुण दो सोलह जीरो

ओपन और वन डाउन खेलेंगे इनको ओपन आना चाहिए बिकॉज क्वालिटी बैट्समैन एक ही है इस टीम का सबसे बेटर टीम प्लेयर है तो जरूर इनको ओपन आना चाहिए हाँ लॉरेंस जो इंग्रम टू डाउन खेल रहा था ठीक है बत्तीस सिक्सटी फोर्टी सिक्स दो आठ एक फिफ्टी फोर इधर दो विकेट एक विकेट जीरो जीरो तो आइडियली दो ओवर डालेंगे एंड बैटिंग शायद टू डाउन करें थ्री वन डाउन भी कर सकता है बिकॉज अगर आप देखोगे टी टाइम कम है तो इनको टी ट्वेंटी से टी टेन में टाइम कम है तो इनको आगे भेजना चाहिए मैं होगा तो मैं होता तो भेज देता बट नहीं मालूम शायद टू डाउन और वन डाउन बैटिंग करेंगे आइडियली ये हर मैच में टू डाउन बंदा बैटिंग किया ठीक है उमर बकेर लोअर ऑर्डर दो पाँच जीरो दो आठ जीरो चार सात जीरो तीन इक्कीस तीन एक पंद्रह जीरो आइडियली ओवर कंप्लीट नहीं करा रहा है अपना ठीक है तो कितने ओवर कराएगा ये टीम के ऊपर डिपेंडेंट होता है शायद खेले जे स्कूलमन और डियन कैम्बेल एंड जेम्स हिल्डिज का मिला नहीं इनका सिलेक्शन भी ले से तो ज़्यादा सोचना भी मत अगर खेलते हैं तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के शायद दे दूँ बट मुझे नहीं लगता खेलने वाले टॉम ओगलमैन अच्छे फॉर्म में लगे मुझे इस साल चार सत्रह दो तीन बीस चार तीन चौदह एक एक मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है इसलिए मैंने ना बोल्ड करके रखा जितना आप प्लेयर देखोगे बोल्ड क्या हुआ ऑप्शन ये फैंटेसी दुनिया फैमिली का रूल है कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है हाँ आइडियली इनको रखना है अपनी टीम में तो इसके लिए मैंने बोल्ड करके रखा देखो इनको भी बोल्ड करके रखा शायद बेनकूपर मैंने भूल गया तो बैनकूपर भी एक अच्छी चॉइस है जेनुइनली एक सेफ पिक भी होने वाले और रेंस वैन ट्रूस्ट ये एक एक, एक रिसेंट तीन मैच में एक में थ्री फॉर है ठीक है एक मैच में ओपन के आईडी ओपन नहीं करना चाहिए पक्का करेंगे भी नहीं नील सीटमैन एक डिफरेंशियल चॉइस ये ना वन डाउन खेल रहा था जब टी ट्वेंटी हो रहा था हर हर मैच में ये वन डाउन खेला एक में ओपन किया बॉलिंग से ठीक एक में तीन एक में एक विकेट फिर एक विकेट ये प्रीवियस परफॉर्मेंस इनका अच्छा है बट रिसेंट परफॉर्मेंस बैटिंग से देखो दस छः फिर तीन इक्कीस जीरो एक, एक तेरह जीरो तो ये आइडियली ओपन नहीं करना चाहिए अगर कर लेता है तो आपके लिए डिफरेंशियल चॉइस होगा ठीक है बिकॉज आप बहुत खास चॉइस नहीं है बट हर मैच में बंदा ओपन किया और वन डाउन सॉरी वन डाउन खेला तो ये वन डाउन खेल रहा था ठीक है आइडियली बेन कुपर शायद इनके साथ ओपन आ जाए रॉयल वेडागन फिर ये वन डाउन आ जाए नीलेटमेंट तो आइडियली इनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो इनको शायद ना भी भेजा जाए ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है मैं आपको आफ्टर टॉस पढ़ेंगे बन निकलने के बाद बता पाऊंगा तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन हो जाना कैसे ज्वाइन होगे सर्च कर लेना टेलीग्राम पर और डायरेक्ट लिंक कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड यस yes, चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करना सोयेल भट्टी एक अच्छी चॉइस बॉलिंग सेक्शन से ठीक है चार तीस एक तीन थ्री पॉइंट टू पंद्रह एक तीन एक सिक्सटीन एक चार छब्बीस दो आइडियली अगर फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग करता है एंड आप अगर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हो बहुत ज़्यादा इसलिए बिकॉज वीसीसी बेटर टीम बहुत ज़्यादा है तो ये एक सी फेवर बनाते हो तब तो इनको जरूर आप रख सकते हो अपनी टीम में ये आइडियली बॉलिंग कराएगा प्रोबेबली दो ओवर अपना कंप्लीट हाँ रिन्स हिंस ब्रोक शर्जात अहमद सलमान याकूब इन लोग का बहुत खास चॉइस लगा नहीं ठीक है आई थिंक बेटर होगा स्किप कर जाना हैदर खान सेबेस्टियन इन के प्रदीप कुमार ठीक है अब वी सी सी तरफ से आते गा ये ना आपको डिटेल्स एनालिसिस प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा देख सकते तो इंपॉर्टेंट प्लेयर सुन लेते हैं बी डी लेडी आर्यन दत्ता आइडियली ओपन और बीडी लेडी पक्का ओपन करने वाला है पी बहुत से वन ये बंदा खेलता है ना सब इनको इग्नोर करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में बट एक विकेट दो विकेट एक विकेट लास्ट ईयर ये कमाल का विकेट बॉलिंग विकेट टेकर था लास्ट ईयर भी आप अगर देखोगे टी ट्वेंटी उठा के तो ये अच्छे फॉर्म में भी है अच्छे बॉलर है पक्का रखना है इनको अगर खेलते हैं ठीक है वी किंगा मस्ट पिक है फिलहाल सिलेक्शन ले से दो विकेट दो विकेट दो विकेट दो विकेट दो विकेट तो पक्का अच्छे कैप्टन फाइस क्रटम चॉइस है खास करके अगर वी फर्स्ट बॉलिंग करता है तब इनको कैप्टन फाइस क्रटम जरूर रखना बिकॉज तब शायद ये जो ए एक्सी है सत्तर अस्सी रन कर पाए तब वी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं बेन कुपर को के चल रहा हूं ठीक है बेंक ऊपर अगर आउट हो जाता है तो अब एक सौ एक्सी शायद सत्तर अस्सी करे अगर बेंक ऊपर टिक जाए तो शायद ये ज्यादा कर जाए ठीक है एस मोल्डर एंड एक आईस अहमद एक आइस अहमद एक अच्छे चॉइस है बॉलिंग सेक्शन से आई अहमद एक डिफरेंशियल चॉइस है नीचे बहुत खास आपको मिलेगा नहीं तो हम लोग आते हैं कैसे रिसेंट मैच जो ई एक्सी खेला मैं ज़्यादा प्रेफर किया इस वीडियो में ई एक्सी की तरफ से बट कुछ प्लेयर जैसे कि ए दत्ता पी बोसेवन तो ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं इनको जरूर अपनी टीम में ट्राई करना एस पा वन सिक्सटी टू फोर सिक्स ई एक्सी एक सौ सैंतालीस पे साथ ई एक्सी फिर वन थर्टी नाइन फोर सेवन डी दस विकेट तो इससे क्या मालूम चलता एक तो मैच हार गया था ई एक्सी दूसरा मैच जो विन किया उसमें भी गए इस बंदे ने सात विकेट लूज कर लिया था ठीक है एक बहुत ही वीक टीम डी के अगेंस्ट तो ये ई एक्सी का बैटिंग बहुत चल नहीं रहा बट एक प्लेयर इसमें इंक्लूड हुआ जो प्रीवियसली नहीं खेल रहा था कौन बेन कुपर तो कुपर एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर है तो शायद इनके बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा इन आ, अच्छा हो जाए सेफ पिक बेन कुपर आर वारागेन जो विकेट कीपर है टी हॉगलमैन एल इंग्रम तो ये चार आप लेके चलते हो इस टीम के से अगर आपको चार ही प्लेयर लेना है तो इन चार को लेना है अगर फेवरेट बनाना है तो इटमैन एंड एस भट्टी किसी एक को ले लेना एंड आर वेंट्रुस्ट एंड जे वेंट्रूस्ट से किसी एक को लेना दोनों एक साथ मत लेना बिकॉज दोनों अपना दो ओवर शायद एक ओवर भी ना कराए ऐसा हो सकता है कोई एक दो ओवर कराए ऐसा हो सकता है कोई इन दोनों से कोई एक ही बंदा एक ओवर कराए तो इसलिए दोनों को एक साथ लेना बहुत रिस्की हो जाता है आइडियली एंड इटमैन एंड एस भट्टी थोड़ा मुझे ज़्यादा प्लेयर लग रहा है तो कुछ भी चेंजेस मतलब चेंजेस क्या मैं आपको तो तो कर यूट्यूब करना, करना तो हम लोग आते आ, हमारे टीम सेक्शन में तो ये कुछ कुछ अजीब दिखा रहा है चलो हम लोग शायद टीम मैंने क्रिएट नहीं किया तो हम, मैं आपको टीम दिखा देता हूँ ठीक है मैं आपके सामने टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ तो आर वैन हगन मुझे रखना है टीम क्रिएट आपको फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस मिलेगा फिलहाल मैं इस टीम से जो जो कूपर को रखना है ठीक है इधर प्रॉब्लम देख लो ठीक है लेडे है इंग्रम है मस्ट पिक ए दत्ता पी भोस्वन अगर खेलता है ठीक है बंदा अगर खेलता है तब है अदरवाइज वी किंग ये चार मुझे इधर से लगता है कि होना चाहिए आपको तो इधर से आपको किसको लेना है हेगलमैन इनका सिलेक्शन लेस है बट डिसेंट फॉर्म अच्छा है मैं आरवें ट्रूस से ऊपर रखूंगा हैगलमैन को जो एक अच्छी चॉइस है एक आसिम अहमद सब ने लिया है तो आई थिंक ये बेटर होगा आपको लेना इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है फिर तीसरा प्लेयर होगा अपना ये कौन फेवरेट टीम बना रहे होगी उसके ऊपर तो वी सी सी बनाना तो वी सी सी के दूसरे बॉलर ले लेना बट वी सी सी से कौन बॉलिंग करेगा थोड़ा रिस्क है तो आइडियली एन एटमेन पे आता है आपका और एस भट्टिया इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है तो इन दोनों से किसी एक को लेना है अगर आपको बॉलर फेवरेट बनाना है मतलब एक पक्का बॉलर लेना है तो एस भट्टी को ले लेना अगर आपको बैटिंग से 10-12 पॉइंट चाहिए तो एन एटमैन को ले लेना तो ये मेरा फिलहाल मैंने टीम बना के रखा आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम मिलेगा कहाँ पर टेलीग्राम चैनल में मैं बार बार बता रहा हूँ अगर आपके पास, पास पाँच ऑलराउंडर लेने का ऑप्शन है तो पी बो सेवन खेलते तो मस्ट पिक है मेरे टीम का तो अब इनको जरूर रख सकते हो तो कुछ भी चेंजेस होगा आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना वीडियो लाइक कर देना एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गैस